जो टॉपिक हमारे पास है वो है फोरकास्टिंग हमने फोरकास्टिंग थोड़ा सा मैंने आपको एक जिस्ट बताया ही था जब हम प्लानिंग प्रेमिस के बारे में पढ़ रहे थे कि वो एग्जामेशन बनाने से पहले हम एनवायरमेंट को जब स्कैनिंग एक तरह से करते हैं है ना तो ये फोरकास्टिंग करते हैं फ्यूचर के बारे में कि है ना ये हो सकता है और पोटेंशियल ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं ना तो देखो एक्चुअल हम चीज़ को पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में आए ये टॉपिक है ना फोरकास्टिंग उसके बाद स्केड्यूलिंग दोनों पढ़ेंगे देखो फोरकास्टिंग में डेफिनेशन पता है अभी मैंने बताया कि एक आपने एक अटेम्प्ट करना फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के बारे में यहाँ प्रिडिक्ट या एग्जामिन कुछ भी वर्ड यूज कर लो बाय देखो देखो क्या लिखा है लिखे अटेम्प्ट टू एग्जामिन या प्रिडिक्ट द फ्यूचर बाय इन्फ्रेंस फ्रॉम नोन फैक्ट्स जो चीज़ आपको पता है उन उनसे ही तोड़ मरोड़ के उनसे इन्फर करना क्या फ्यूचर के बारे में ठीक है एक्यूरेसी ऑफ प्रिडिक्शन अब ये प्रिडिक्शन कितनी एक्यूरेट होगी ये तो किसी को नहीं पता लेकिन किस चीज़ पे डिपेंड करेगी इसकी एक्यूरेसी कि आपने कितने अच्छे से आइडेंटिफाई किया है और अंडरस्टैंड किया है उन फैक्टर्स को जिसको वो इफेक्ट करते हैं या जिससे वो इफेक्ट होता है अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा कितना डेटा अवेलेबल है कहाँ का डेटा अवेलेबल है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर ऑफ कोर्स जो बंदा एक्चुअल फोरकास्टिंग कर रहा है उसमें कितनी नॉलेज है खुद कितना एक्सपीरियंसड है वो इस चीज़ में इसके बाद आता है फीचर्स देखो फीचर्स क्या लिखोगे मेड अबाउट द फ्यूचर ऑब्वियसली फ्यूचर को देख के बना रहे हो बेस्ड ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा फ्यूचर को पास्ट और प्रेजेंट डेटा को ध्यान में रखकर प्रिडिक्ट रहे हो सो इट इज बेस्ड ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा ओनली एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर ये तो पता ही एस्टिमेट ही लगा रहे ना सिंस फ्यूचर इज अनसर्ट, देन दे आर नॉट कम्प्लीटली एक्यूरेट, वेरी कॉमन सेंस फोरकास्ट आर मेड यूजिंग फोरकास्टिंग टूल्स एंड टेक्निक्स ऑब्वियसली यहाँ टूल्स और टेक्निक्स होते हैं ये भी हम आगे थोड़ा देखेंगे कि उन टेक्निक्स को यूज़ करके आप फोरकास्ट करते हो ठीक है देखो आगे क्या है फोरकास्ट डू नॉट एलिमिनेट रिस्क रिस्क एलिमिनेट थोड़ी हुआ क्योंकि अगेन एन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो तो हमारे कंट्रोल से बाहर है ना उसको तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते बट हाँ टू इट अलाउज मैनेजर्स टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क यहाँ कितना रिस्क लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए वो कैलकुलेशन आप कर सकते हो अगर आपने फोरकास्टिंग अच्छे से कर रखी बाई फोकसिंग ऑन फ्यूचर इट हेल्प्स आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच द ऑर्गेनाइजेशन दैट लीड टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंट एंड बेटर चांसेस ऑफ सक्सेस ठीक है कॉमन सेंस की बात है सारी आगे देखो टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग अब देखो ये शॉर्ट टर्म एडम लॉन्ग टर्म सिंपल अगर आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए कर रहे हो ईजियर टू मेक मोर एक्यूरेट है ना कि मान लो मैं बोल रहा हूँ इस हफ़्ते क्या होगा दैट इज़ शॉर्ट टर्म ना और वो हो सकता है ज़्यादा एक्यूरेट हो कम्पेयर टू अगले साल ये तो होगा उससे ज़्यादा एक्यूरेट होगा ना ये प्रोडिक्शन कि अगले हफ़्ते क्या होगा सो इट इज़ ईज़ियर टू मेक यूजली मोर एक्ूरेट रिक्वायर्ड फॉर स्केड्यूलिंगिंग ऑफ पर्सनल है ना लोगों का प्रोडक्शन का ट्रांसलेसन का बेसिकी सब कुछ की टाइमिंग्स और ये यहाँ किस डेट को क्या होगा तो वो शॉर्ट टर्म फॉरकास्ट हैं देन मीडियम टर्म फॉरकास्ट ये थोड़ा थोड़ा सा दूर की सोच यानी कि रॉ मटेरियल्स लाने हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में फ्यूचर प्रडिक्शन करना कितना स्टाफ चाहिए होगा हमको उस चीज़ का फोरकास्ट करना कितनी मशीनरी चाहिए होगी इस चीज़ का फोरकास्ट करना ये सारे मीडियम टर्म में आते हैं लॉन्ग टर्म में ये बिल्कुल जो विजन आप रखते हो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वाला बताया था ड्रॉप मैनेजमेंट जो बनाते हैं ये थोड़े ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली डिफिकल्ट होते हैं बनाने के लिए क्योंकि ये प्रॉपर ओवरऑल मार्केट को देखे कि हम मेरा कोई लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास जो अगले साल तक पूरा ऊपर खुलेगी लेकिन हम मैं अभी आइडेंटिफाई कर रहा हूँ सो दैट इज़ अ फोरकास्ट जो आपने लॉन्ग टर्म फोरकास्ट करिए कि दूर की सोच की आपने विजन का यूज करके इवेलुएट किया है आपका खुद का कि हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं दूर की सोच के सो शॉर्ट टर्म मीडियम लॉन्ग टर्म ठीक है इसके बाद आ जाओ एलिमेंट्स ऑफ फोरकास्टिंग ये रेड फील्ड ने दिए हैं एलिमेंट्स ऑफ फोरकास्टिंग बेसिकली फोरकास्टिंग कैसे बनता है पूरा उसका पहले प्रिपेयर दी ग्राउंड वर्क ग्राउंड वर्क समझ लो एक तरह से फाउंडेशन बेस बनाना है ना बिफोर फोरकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन शुड डू ग्राउंड वर्क फ्यूचर एस्टिमेट शुड बी मेस्ड ऑन दिस ग्राउंड वर्क दिस इंक्लूड्स एनालाइजिंग द कंपनी प्रोडक्ट्स मार्केट शेयर ऑर्गेनाइजेशन यानी अभी जो है एक्चुअल चीज़ अभी जो है उसको एनालाइज़ करना यानी प्रेजेंट को एनालाइज़ करना और फिर पास्ट को भी एनालाइज़ करना कि अभी ये है पहले ये हुआ करता था तो दैट इज़ पास्ट को एनालाइज़ करना कि हाँ ऐसे था और अब इतनी हमारे ग्रोथ हुई इस इस वजह से ग्रोथ हुई वो सब तो पास्ट और प्रेजेंट को अगर आप एनालाइज कर रहे हो वो आपको एक तरह से ग्राउंड वर्क की तरह काम करता है यानी फाउंडेशन की तरह काम करता है ठीक है आगे चलो एस्टिमेट द फ्यूचर बिजनेस अब बेस्ड ऑन दैट पास्ट एंड प्रेजेंट उस फाउंडेशन पे तुम फ्यूचर बिजनेस अपना एस्टिमेट करोगे कि आ, ऐसे हो सकता है हो सकता है वही तो फोरकास्टिंग है सो बेस्ड ऑन दैट पास्ट डेटा एंड इनपुट्स फ्रॉम की एक्टिव एंड अदर स्पेशलिस्ट लोगों से बातचीत करके फोरकास्ट डेवलप होती है और फिर उन जरूरी लोगों को बताई भी जाती है, है ना कि फोरकास्ट ये हुई है ये हमने की है फोरकास्ट तो उनको कम्युनिकेट तो होनी चाहिए ना ऐसे थोड़ी कि हाँ बस खुद ही पता कर लोगे बतानी भी तो होती है सिंस फोरकास्ट इज बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन एंड इनपुट्स ऑफ द एक्जीक्यूज एज वेल एज अदर पर्सनल एवरी वन हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मीटिंग दिस फोरकास्ट एंड अकाउंटिबिलिटी फॉर एनी डिश्स की मान लो फोरकास्ट अगर किया है कि हाँ ऐसा ऐसा होगा सेल इस जेलपेंस की मान लो सेल बढ़ेगी तो जेल पेंस की ऐसे ऐसे प्रोडक्शन होगी तो सेल करनी भी है जेल पेन की तो सबके पास एक वो है ना दिमाग में कि हाँ हमें यह करना है एक्चुअली क्योंकि ये फोरकास्ट हुआ है तो एक्चुअल में सही भी हो सकता है कि हाँ सच में डिमांड बढ़ जाए तो प्रोडक्शन अच्छे से करे वो सब करें तो डेविएशन ना आए उस फोरकास्ट से रिलेटेड मतलब uh, फोरकास्ट से जो करी है उससे डेविएट डेविएशन ना आए इसके लिए सबको रिस्पॉसिबल ठहराया जाएगा ऑब्वियसली क्योंकि वो सब रिस्पॉन्सिबल है उस काम को करने के लिए देन कंपेयरिंग द एक्चुअल विद एस्टिमेटेड रिजल्ट क्या आपने एस्टिमेट किया था ये वो एस्टिमेट एक तरह से बेंच की तरह काम करेगा बेंच मार्क बोलो स्टैंडर्ड बोलो कुछ भी बोल लो उस बेंच मार्क फिर आप कंपेयर करोगे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुई जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है उससे रिलेटेड आप फिर करोगे हाँ मेरा एक्चुअल ये है मैंने बेंच मार्क फोरकास्ट के हिसाब से ये सेट किया था कितना डेविएशन है वो क्यों आया कैसे आया उसको एनालाइज करना वो सब भी उसमें आता है ठीक है फिर है रिफाइनिंग द चलो अब सब हो गया पता लग गया कि क्यों डेविएशन आया तो अब अगली जब फोरकास्ट करेंगे उसको बेटर बनाने के लिए उसको ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए पिछली फोरकास्ट को ही एक तरह से मॉडिफाई करना है रिफाइन करना है बेटर बनाना है उसको ठीक है तो वो कैसे होगा तभी होगा ना जब आपने अच्छे से एनालाइज किया होगा सब कुछ किया होगा ठीक है ओके इसके बाद आ जाओ इंपॉर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग क्यों कर रहे हैं फोरकास्टिंग क्या जरूरी क्या जरूरत है क्या इसको करने की देखो स्ट आर नॉट एक्यूरेट दे प्ले सिग्निफिकेंट रोल ये तो मैंने अभी बताया कि देखो जरूरी तो नहीं है ना कि वो एक्यूरेट होगा बट रोल इंपॉर्टेंट है उसका फोरकास्टिंग का क्यों है वो भी हम पढ़ते हैं पहला है एसेंस ऑफ प्लानिंग ये तो मैंने बताया था प्लानिंग प्रोसेस के टाइम में बताया था तो तुमको कि एसेंस है इसका क्योंकि प्लानिंग प्रेमिस होते हैं जो वो किससे बनते हैं एक्म्शन जो होते हैं वो किससे बनती है इसी फोरकास्ट के बेसिस पे बनती है ना ठीक है देखो ना लेखा है प्लानिंग प्रेमिस डेवलप करने में हेल्प करता है और उसी से आप एक्जम्पन्स बनाते हो उसी एग्जाम्पन पे ही आप प्लानिंग बनाते हो सो प्लानिंग बिना फोरकास्टिंग के नहीं हो ना तो इसलिए कि सेकेंड बाई अकाउंटिंग फॉर अभी अगेन आपने फोरकास्टिंग के टाइम एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंसिडर किया तो वो तो बेटर डिसीजन मेकिंग हो ही गई ना क्योंकि आपने सब कुछ मान लो एनवायरमेंट का कंसिडर करना है इज़ अ गुड थिंग सो इट विल हेल्प इन योर बेटर डिसीजन मेकिंग एंड फाउंडेशन फॉर स्केड्यूलिंग ये हम आगे पढ़ेंगे स्केड्यूलिंग क्या होता है मान लो फोरकास्टिंग ऐसे तरह से किया है कि हाँ चलो जेल पेंस की सेल हमें नेक्स्ट uh, वीक बढ़ जाएगी तो जेल पेन ज़्यादा बनाने होंगे वो करना होगा ये करना होगा तो सारी एक्टिविटीज़ फिर उसी दो हफ्ते से पहले करनी होंगी तो वो स्केड्यूल करना पड़ेगा ना तो वो स्केड्यूलिंग का बेसिस क्या बना फोरकास्टिंग ही तो बना क्योंकि फोरकास्टिंग नहीं वो टाइम बताया कि फाइनल हाँ, डेट ये है उससे पहले फिर हम स्केड्यूल करेंगे सो फोरकास्टिंग इज फाउंडेशन फॉर स्केड्यूलिंग देन फोरकास्टिंग हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर एक्सपेक्टेंसीज ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिवजन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स बाई आडेंटीफाई पोटेंशियल डिमांड तो मैंने बताया है ना कि आपको ट्रेंड्स वगैरह जो है किससे पता चलते हैं फोरकास्टिंग सही चलते हैं प्रिपेरिंग एंड रिव्यूइंग फोरकास्ट इंश्योर दैट मैनेजर इज थिंकिंगड फोरकास्ट बना रहे हो फ्यूचर के बारे में बना रहे हो फ्यूचर की तरफ देखना इज़ अ गुड थिंग क्योंकि हम आगे की सोच रहे हैं यार थिंकिंग अड प्लानिंग करते ही क्यों थे फ्यूचर को लेकर ही करते थे वो इसीलिए तो करते थे कि आप थोड़ी आगे चलो जो आप प्रेजेंट में सिर्फ रोगे तो नहीं होगा काम आगे की थोड़ी बहुत सोच के चलना पड़ता है सो मैनेजर इज़ थिंिंकिंग अड या इंश्योर करना किसने किया फोरकास्टिंग ने किया हेल्प से मैनेजर आइडेंटीफाई एरिया विच रिक्वायर कंट्रोल कि आप पास्ट और प्रेजेंट को जब एनालाइज हो तो पता लगेगा ना कि हाँ किस, किस चीज़ों में कंट्रोल की जरूरत है बेंच मार्क किस तरह काम होगा ये भी बताया था मैंने देन बाय इनकेजिंग पार्टिसिपेशन फ्रॉम एक्जिक्यूटिव ये भी बताया पार्टिसिपेटिव डिसीजीजन मेकिंग एक तरह से होती है कि सब लोग इन्वॉल्व किए जाते हैं उनकी सलाह ली जाती है उनको फोरकास्ट क्या हुआ है उस हिसाब से काम करना था इसलिए कम्युनिकेट भी उनको किया जाता है तो एक तरह से सबको यूनिफाई कर रहे तो एक कॉर्डिनेशन भी ले आ रहा है, है ना सो कॉर्डिनेट्स द प्लान थ्रू सिंगल एंड कॉमन पर्पज़ सो so, देखो क्या लिखा फाइनल लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल द फोरकास्ट आर मेड अबाउट द फ्यूचर एंड डेवलप अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज टू डील विद पॉसिबल फ्यूचर एंड की पॉसिबिली क्या क्या चीज़ें हो, हो सकती हैं उन्हीं से डील करना है हमको ऑर्गेनाइजेशन का गोल ही ये है ना तो ये दू ऑल अबाउट फोरकास्टिंग इसके बाद हम चलेंगे टूल्स ऑफ फोरकास्टिंग पे फोरकास्टिंग करनी है उसके लिए कुछ टूल्स हम यूज़ करते हैं ओके okay, इसके बाद आ जाओ टूल्स ऑफ फोरकास्टिंग मैंने आपको बताया था कि फोरकास्टिंग टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ करके आप करते हो है ना ऐसे थोड़ी आप अंदाजा कुछ भी लगा लोगे सो so, वो टूल्स और टेक्निक्स क्या हैं देखो पहले एक देखो एक चीज़ लिखिए यहाँ पे द चॉइस कि कौन सा टूल या कौन सा मेथड आप यूज़ करोगे वो डिपेंड किस पे करता है टाइम होराइजन पे और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना फिर ब्रॉडली टू कैटेगरीज हैं अगेन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो मेथड्स होते हैं पहले हम क्वांटिटेटिव मेथड्स पढ़ लेते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं जिसमें डेटा का ज्यादा यूज नहीं होता है ना दिस इज अ नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड यानी स्टैटिस्टिक्स और डेटा का इतना मतलब ऑब्वियसली है डेटा पे ही बेस्ड वो लेकिन स्टैटिस्टिक्स यानी नंबर्स और क्वांटिटी होती है ना क्वांटिटी मेजरमेंट्स और वगैरह वो सब यूज़ नहीं होता तो डेटा इज देयर बट दैट इज अ क्वालिटेटिव डेटा विच इज यूज यूज वैन देर इज लिटिल पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा अवेलेबल भाई कि जब एक्चुअल डेटा नहीं अवेलेबल होता तब हम ये यूज़ करते हैं बेस्ड ऑन जजमेंट्स एंड ओपिनियन भाई है ना डेटा तो एक्चुअल नहीं है नंबर्स तो है नहीं तो हम ओपिनियंस वगैरह पे ही जाएंगे यूज वन द फ्यूचर इज़ कम्प्लीटली यूज वैन फ्यूचर इज़ कम्प्लीटली अन एंड रेलिवेंट हिस्टोरिकल डेटा इज़ नॉट अवेलेबल ये भी वही बात एक्जाम्पल फॉर एग्जाम्पॉर एग्जाम्पल फॉर कंपनीज लॉन्चिंग अ न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट नया बिल्कुल नया प्रोडक्ट है एंटरंग न्यू मार्केट या बिल्कुल ही नई मार्केट में एंटर कर रहे हो सेल्स के नॉट भी प्रीडिक्टड बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा आप प्रिडक्ट थोड़ी कर सकते हो सेल्स की कितनी हमारी सेल्स होंगी क्योंकि कोई हिस्टोरिकल डेटा है ही नहीं आप आए ही नए हो अभी प्रोडक्ट ही मान लो या तो नया है तो उस प्रोडक्ट के बारे में आपको पहले का डेटा है ही नहीं कोई आपके पास तो उन केसेस में आप क्वालिटेटिव मेथड्स का यूज़ करके फोरकास्टिंग करते हो तो देखो पहला है डेल्फी मेथड या जूरी और एक्सपर्ट ओपिनियन इसमें बेसिकली सारे एक्सपर्ट्स साथ बैठ जाते हैं है ना सब एक कंसेंसस एक पर्टिकलर कंक्लूजन पे आते हैं सारे अपना ओपिनियंस देते हैं गिव द फोरकास्ट बेस्ड ऑन कंसेंसस ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियंस एक्सपर्ट्स अपने एस्टिमेट्स देते हैं फिर वो कलेक्टिव एस्टमेट्स जो हैं शेयर होते हैं टिल दे रीच अ फाइनल एक डिसीजन पे जब वो पहुंचते हैं इट कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट फोरकास्ट अबाउट न्यू प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी ठीक है इसके बाद आता है एस्टिमेशन बाय सेल्स फोर्स और ग्रास रूट अप्रोच ग्रास रूट समझ तो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे पहुंचना यानी कि ऑन फील्ड जो एक्चुअल सेल्स फोर्स है आपकी लोग हैं जो सेल्स करते हैं मान लो रिटेलर्स हैं या और कोई मान लो डोर दो टू डोर कहीं जाते हैं सेल्स करने किसी अलग अलग कंपनीज में तो बेसिकली आपकी बिजनेसिस में सेल जो कर रहे हैं सेल फोर्स पता है ना क्या होता है जो एक्चुअल सेल्स करते हैं यानी कि दी एक्ट ऑफ सेलिंग जो करते हैं आपके बिजनेस में उनसे आप आइडिया लो क्योंकि वो एक्चुअल सेल करते हैं उनको आइडिया है मार्केट किस तरह चलती है उनको आइडिया है कस्टमर्स क्या क्या चाहते हैं कस्टमर्स कैसे बिहेव करते हैं वो सब उनको पता है तो सेल्स फोर्स का यूज़ करके जब आप फोरकास्ट करते हो यानी उनकी एस्टिमेशन यूज़ करते हो तब ये सेल फोर्स एस्टिमेशन अप्रोच या ग्रास रूट अप्रोच कुछ भी बोल लो ये आप पहुँचते हो ठीक है तो, तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो फोरकास्ट आर मेड फ्रॉम एस्टिमेशन ऑफ सेल फोर्स एक्सपेक्टेड दैट सेल फोर्स वुड हैव यर आइडिया अबाउट द मार्केट एंड कस्टमर्स देर फोर देखें इनके रिलायबल एस्टीमेट्स ऑफ सेल्स एंड कस्टमर फीडबैक उनके पास कस्टमर का फीडबैक भी है सेल का एस्टिमेट को दे सकते हैं कि हाँ ऐसी इतनी इतनी सेल हो जाएगी ठीक है उसके बाद आ जाओ अब ये एक चीज़ ध्यान रखो ये वाली इस अप्रोच में शॉर्ट टर्म ही आप पता कर पाओगे है ना कि पूरे लॉन्ग टर्म का थोड़ी आपको एस्टिमेट ऐसे दे सकते हैं सेल्स फोर्स का यूज़ करके वो शॉर्ट टर्म बता सकते हैं यहाँ चलो इतने मान लो एक हफ्ते में इतनी सेल हो जाएंगी ठीक है फिर आता है आपके पास फिर आता है कस्टमर एक्सपेक्टेशन और सर्वेज और मार्केट रिसर्च मैथड यहाँ पे सर्वे का यूज़ होता है सर्वे यानी कि एक्चुअल जो कस्टमर्स हैं आप उनके पास जाते हो उनसे इंटरव्यू लिया उनसे क्वेश्चन वगैरह पूछे फिर वो क्वेश्चन वगैरह के आंसर देंगे आपको उनके उनसे समझ आएगी कस्टमर्स क्या चाहते हैं उनका फीडबैक समझोगे आप तो यानी कि एक्चुअल जो लोग हैं उनसे ही आ, आपने डायरेक्टली बात कर ली सो so कस्टमर्स से आपने जब बात करी तो आपको उनके बारे में पता चलेगा फिर फोरकास्ट अच्छा बेटर करता हो राइट एक बॉडी प्रोडक्ट डिमांड इन फ्यूचर की है ना पोटेंशियल इतनी डिमांड है लोगों से बात करके पता ऑब्वियसली एक लग जाएगा आपको एक आइडिया तो हो जाएगा सो so, ये तीन मेथड्स क्वालिटेटिव मेथड्स हैं क्योंकि यहाँ पे कोई हिस्टोरिकल डेटा का यूज़ करके आपने स्टैटिस्टिक्स नहीं लगाई कोई ओपिनियंस हैं जैसे यहाँ पे कस्टमर का ओपिनियन यहाँ पे सेल्स फोर्स का ओपिनियन यहाँ पे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन तो so, तीनों में ओपिनियंस हैं बेसिकली सो so, यहाँ पे क्वालिटेटिव मैथड ये था इसके बाद आ जाओ आप क्वान्टेटिव मैथड्स पे क्वान्टिटेटिव मैथड्स यानी जब आप हिस्टोरिकल डेटा यूज़ कर रहे हो या स्टेटिस्टिक्स का यूज़ कर रहे हो तो ठीक है तो यानी कि दीज अप्लाई स्टेटिस्टिकल मॉडल्स एंड मैथमेटिकल टूल्स टू हिस्टोरिकल डेटा यूज बैन द रेवेंट हिस्टोरिकल डेटा इज अवेलेबल एंड इट इज एक्सपेक्टेड दट पास पैटर्न विल रिपीट अगर आपको पता है यार पास पैटर्न बिल्कुल ही फॉलो नहीं होगा पक्का तो कोई फायदा नहीं है इसका क्योंकि यहाँ तो आप हिस्टोरिकल डेटा पे रिलाय करो फॉर एग्जाम्पल प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर सेल्स ऑफ एन एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट अब एग्जस्टिंग है तो आपके पास हिस्टोरिकल डेटा है उस चीज़ का है ना डेटा मे भी अवेलेबल विद इन दर्गनाइजेशन जैसे सेल्स प्रॉफिट या कॉस्ट या कलेक्टेड थ्रू सैम्पलिंग मतलब जैसे भी करके आप अवेलेबल करना डेटा एम इज़ टू प्रोजेक्ट द आउटकम्स थ्रू कैजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स क्योंकि यहाँ पे अभी बताया ना मैथमेटिकल मॉडल्स लगाने हैं आपने स्टैटिस्टिकल मॉडल्स लगाने हैं आपने तो ये तो तभी लगेंगे ना जब आपके पास डेटा होगा डेटा यानी वेरिएबल्स या जिनको यूज़ करके आप कैलकुलेट करोगे तो इसमें देखो टाइम सीरीज अब देखो इसमें बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि इट्स नॉट ऑफ यूज कि आप एक्चुअल समझो कि वो कैसे हो रहा है दट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड दैट विल डेविएट अस फ्रॉम वॉट वी आर स्टडिंग फॉर कास्टिंग राइट ठीक है तो लेकिन बाकी अगर तुम बोलोगे तो आई एल एक्सप्लेन दैट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जस्ट लाइक मी नो इफ यू वॉन्ट आई एल एक्सप्लेन इट्स नॉट लाइक अ वेरी बिग कुछ वो नहीं है बट इट विल डेविएट इसलिए मैंने इस उसमें इसको इंक्लूड नहीं कराया uh, देखो टाइम सीरीज बेसिकली जब आप कोई डेटा ओवर टाइम का ले रहे हो कि हाँ इस साल में ये इस साल में ये इस साल में ये 2019 2021 ऐसे ट्रेंड ले लिया तो ये डेटा uh, देखो क्या लिखा है डेटा हो सिलेक्ट ऑब्जर्व सिक्वेंशली ओवर टाइम है ना सिक्वेंस में कोई डेटा है ओवर टाइम दैट इज़ टाइम सीरीज डेटा एग्जाम्पल क्वार्टरली सेल्स डेटा ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स डेली स्टॉक क्लोजिंग प्राइजेज तो सीक्वेंस में डेटा जो जैसे मान लो रोज का महीने का या साल का ऐसे जो होता है दे आइडेंटिफाई ट्रेंड्स लाइकली टू कंटिन्यू इन फ्यूचर टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर वैल्यूज है ना कि जैसे तीन साल से बीस बीस परसेंट इंक्रीज़ हो रहा है तो इस साल भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि बीस परसेंट इंक्रीज़ होगा सो इट इज़ अवेलेबल इट इज़ यूज वेन डेटा इज अवेलेबल ओवर लॉन्ग लॉन्ग टर्म एंड ट्रेंड्स आर क्लियर स्टेबल एंड एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू आपको जब पता है कि भाई ये ट्रेंड तो बहुत साफ पता चल रहा है कि ऐसे ही जाएगा साफ है या yeah, एक्सपेक्टेड है कि हाँ अगले साल भी इतना ही होगा जितना पिछले साल था दैट इज़ वेन यू यूज दिस ठीक है एक होता है रिग्रेशन एनालिसिस रिग्रेशन एनालिसिस एक स्टैटिस्टिक्स में आपने अगर पढ़ा हो रिग्रेशन आई थिंक था ट्वेल्थ में स्टैटिस्टिक्स में तो था आई गेस ट्वेल्थ नहीं था वो इलेवेंथ था आई हाँ एलेवेंथ में था भैया yeah, ट्वेल्थ था um, नहीं ट्वेल्थ में तो वो था मेरे पास इंडियन इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो यू हैड राइट इलेवंथ में इलेवंथ so में आई थिंक पढ़ा होगा तुमने रिग्रेशन एनालिसिस था ना स्टैटिस्टिक्स में विच प्रिडिक्ट द फ्यूचर वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट क्या ना कोई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है तो उन दोनों से आप जो रिग्रेशन का फॉर्मुलेज वगैरह होते हैं उनसे आप निकालते हैं फिर होते हैं इकोनॉमिक मॉडल्स इकोनॉमिक मॉडल्स यानी कि यूजिंग्स इंटर डिपेंडेंट इक्वेशन विद द वेरिएबल्स वो इकोनॉमिक्स आप हाँ पूरा यूज़ करते हो यहाँ पे एक चीज़ होती है वॉट इफ़ एनालिसिस यूज़ करना कि भाई ऐसा होगा तो कैसा होगा यानी कि आउटकम्स प्रिडिक्ट करना इन डिफरेंट सिनारी यानी इन्वायरमेंटल कंडीशन कि अगर ऐसा हो गया तो इतनी सेल्स हो जाएंगी अगर ऐसा होगा तो इतनी सेल्स हो जाएंगी तो ऐसे ठीक है दीज इंक्लूड कंप्यूटर प्रोग्राम बेस्ड साइम्यूलेशन मॉडल्स ठीक है काफ़ी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ एंड अगेन से ऊपर ऊपर से बता दिया ये होता है एंड आई थिंक दिस इज मोर देन इनअ फॉर एज ऑफ नाउ बाकी बता देना इफ यू नीड एल एक्सप्लेन इन डिटेल इज वेल ओके ठीक है ऐसे और भी बहुत सारे होंगे ठीक है uh, अब आते हैं चॉइस ऑफ एक्चुअल मैथड डिपेंड्स ऑन एक्चुअल में कौन सा मैथड लगाओगे बहुत चीज़ों पर डिपेंड करेगा ना वेरिएबल किस तरीके का है डेटा कैसा है रिलायबल है नहीं है इन्वायरमेंटल का क्या सीन है कॉस्ट और टाइम कितना लग रहा है हर मेथड को लगाने में मान लो कोई मैथड बहुत ही महंगा होगा काम में और दूसरा मैथड जो आसपास का रिजल्ट दे देगा दे बट बहुत चीप है तो ऑब्वियसली दूसरे वेले पर जाओगे है ना इतना पैसा क्यों ही सिर्फ मैथड फोरकास्टिंग पे इतना पैसा क्यों लगाना सो दट इज़ ऑल्सो थिंग सो डिपेंड करता है सारी चीज़ें है ना कि कौन सा मैथड यूज़ करें उसके बाद अच्छा लिमिटेशन अब ये फोरकास्टिंग के लिमिटेशन क्या बताओगे बहुत सिंपल फोरकास्टिंग मे प्रूव टू बी इन एक्क्यूरेट हो सकता है ना सही ना हो फोरकास्टिंग जरूरी थोड़ी सही हो फेल टू प्रेजेंट करेक्ट पिक्चर हो सकता है रियलिस्टिक ना हो क्योंकि तुमने जिस डेटा पे किया है वो एक्चुअल डेटा अब नहीं है ना तुमने मान लो कोई एजम्प्शन यूज़ करी थी वो वो एजम्पन अब ट्रू नहीं निकली तो वो नहीं होगा उस हिसाब से ठीक है फिर फोरकास्टिंग आर डेवलप बिज ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा इन द डेटा इज़ नॉट रिलायबल फोरकास्ट विल भी रॉन्ग सो अगेन ये भी पास ट्रेंड्स में नॉट रिपी इन फ्यूचर है ना पॉसिबिलिटी है कि पहले जो हुआ है जरूरी थोड़ी है, अभी भी वो हो जाए पॉसिबिलिटी है डेटा कलेक्शन इज सब्जेक्ट टू टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन ऑब्वियसली डेटा कलेक्ट करना मान लो सैम्पलिंग वगैरह जा रहे हो लोगों से इंटरव्यू ले लो कस्टमर से जैसे उसमें इंटरव्यू लेने थे तो बहुत टाइम लगेगा उसमें कॉस्ट लगेगी बहुत सारा जब आप यू नो स्ट्रीट्स में जाकर लोगों से ले रहे हो तो ऐसे थोड़ी इंप्लाइज वहाँ पे डालने पड़ेंगे और सब कुछ तो टाइम और कॉस्ट हर चीज़ की देखनी पड़ती है तो वो लिमिटेशन एक और है क्योंकि अगेन टाइम और कास्ट मैंने पहले बताया लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं हर चीज़ को लेकर कि हर चीज़ को आप पहले यही एनालिसिस करते हो कि इस चीज़ को करने में कितना टाइम लगेगा कितनी कॉस्ट लगेगी उस हिसाब से फिर डिसाइड करते हो कि हाँ ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो ये लिमिटेशन हो गए फोरकास्टिंग के विद दिस द फोरकास्टिंग टॉपिक इज़ कम्प्लीटेड इसके बाद हम स्केड्यूलिंग uh, पे आएंगे ठीक है फिलहाल के लिए इतना ही चलिए बाय